शिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जी हम बोनस नहीं दे सकते दादाजी। मूलचंद कंपनी के शेयर का स्टेटमेंट देखा? कितना प्रॉफिट हुआ? कितना? 5 लाख? कितना? 71,000। नहीं रोकिए, भाव अभी और बढ़ेगा। कम से कम 7 लाख रुपया प्रॉफिट होना चाहिए। क्या कहा? रिस्क? व्यापार में थोड़ा रिस्क, थोड़ा गैम्बल करना ही पड़ता। नहीं, मैं कहता हूं रोकिए दादाजी, मुझे कुछ रुपए और चाहिए। अभी परसों तो 15,000 ले गए थे, इतना रुपया कैसे खर्च करते हो? वैसे जैसे आप कमाते हैं क्या? क्या लेकिन आप जीतते हैं और मैं। आनंद, फिजूल खर्ची का तुम्हें नशा हो गया। और मैं करूं भी क्या दादाजी, आप तो जानते हैं कि बिजनेस वगैरह मुझसे हो रहा है। आप मेरी इस फिजूल खर्ची को अपनी अमीरी का इश्तहार क्यों नहीं समझ लेते? आखिर मैं हूं ही कौन? द्वारका दास का पोता ही तो हूं। रेखा से भेंट होती है? जी हाँ। होना ही चाहिए, उनसे संबंध रखो, इसी मेरी खुशी। कितने रुपए चाहिए? फिलहाल 25,000 दादा। जाओ कैशियर से ले लो। थैंक यू दादा।
प्लीज। हेलो, तुम्हें रोज फोन करती हूँ पर तुम मिलते ही नहीं। आज नहीं छोड़ूंगी, चलो हमारे साथ। मुझे एक जरूरी काम है। झूठ बोलते हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आज तुम्हें चलना होगा, चलो कहीं दूर घूमने चलो। वो देखो वो साहब आ गए। बाय बाय मिस्टर शेखर। मिस्टर शेखर, शेखर मैं जानता हूँ आप शेखर नहीं, लेकिन मेहरबानी करके मेरे साथ हैंडशेक कीजिए। हैंडशेक कीजिए ना, मुझे लड़की खड़ी है, लड़की वो मेरा पीछा कर रही है, मुझे उससे बचाइए, यहाँ से ले चलिए मुझे। मगर मैं तो बिल्ली खेलने जा रहा हूँ। आपके साथ चलता हूँ, ले चलिए मुझे। देखा प्रिंस हमारी इंसल्ट करके चले गए। रो मत बेबी, रो मत, मैं कल ही तुम्हें द्वारका दास के पास ले चलता हूँ। चलो अब घर चले। एक डबल स्कॉच। सिगरेट? जी नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। आप बिलियर्ड तो खेलते हैं? यहाँ खेल तो लेता हूँ लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? इस खेल में जोश नहीं है, रफ्तार नहीं है, मुझे नींद सी आने लगती है। अच्छा, तो आपको हर एक चीज में जोश और रफ्तार चाहिए। जी, रफ्तार ही जिंदगी है। तो इसीलिए आप जिंदगी को तूफान की तरह से भगाए लिए चला जाना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। ये कि मैं आपके बारे में क्या जानता हूं, एक जमाने में मैं भी जिंदगी को दोनों हाथों से, मगर हमारा आपका कोई परिचय तो है ही नहीं। मेरा नाम है कर्नल मिश्रा। हाउ डू यू डू कर्नल मिश्रा, मेरा नाम आनंद है, प्रिंस आनंद, सिर्फ आनंद, राय बहादुर द्वारका दास का पोता हूं और उनका अकेला वारिस। कह सकते हैं कि भविष्य का करोड़पति, इसीलिए ये लोग मुझे प्रिंस कह के पुकारते हैं। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आप इससे कुछ खुश नहीं। आप क्या समझते हैं कि मुझे खुश होना चाहिए? कमाल है, इसलिए कि आप जानते हैं कि आपको खुश क्यों नहीं होना चाहिए, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी परेशानी। एक बात पूछो मुझे कि आप इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़कर मेरे साथ कैसे हैं? उसके साथ मेरी शादी होने वाली है। शादी हुई नहीं, आप दूर दूर भाग रहे हैं। शादी होने के बाद क्या होगा? उनके पिताजी के कई चीनी के कारखाने हैं, जो शादी के बाद मेरे दादाजी के हो जाएंगे। करोड़ों की बात है कर्नल साहब, करोड़ों की। देखा प्रिंस, अगर जिंदगी को लापरवाही से धकेलेंगे तो इसी गेम की तरह आपको वापस भेज देगी, लेकिन अगर जतन और प्यार से चलाएंगे तब मंजिल पे पहुंचेंगे। मंजिल? कैसी मंजिल? चाहती है गाना सीखूंगा, लेकिन सिर फूटने से पहले चारों तरफ से वाह वाह हुई कि मुझ जैसा गाने वाला सारे हिंदुस्तान में नहीं। कागज में यूं ही एक लाइन खींच दी तो शोर हुआ कि चित्रकला की ऐसी कल्पना कभी किसी ने नहीं की। इन तारीफों की आड़ से चाप लूसी का नंगा चेहरा जब सामने आता है, जब लोभी आंखें साफ चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो नफरत से दम घुटने लगता है। क्या आप बता सकते हैं कर्नल साहब, ऐसे जीवन का क्या मतलब है? ऐसे जीवन का तो कोई मतलब नहीं जिसमें कोई ख्वाहिशें ना हो या कोई तमन्नाएं ना हो, मगर आपकी जिंदगी के दायरे के बाहर बहुत से लोग, उनको भी आपने कभी देखा है जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और खाते हैं और जिंदगी का मजा लेते हैं? आपके साथ तकलीफ ये है कि आपकी दौलत ने आपको कंगाल कर दिया, सबसे अकेला कर दिया, और इन चीजों से बचने के लिए आप अपने ही दायरे में चक्कर लगाते रहते हैं, सच्ची जिंदगी को पहचानने की कोशिश नहीं करते। आप जिंदगी को धोखा देते हैं इसलिए जिंदगी आपको धोखा देती है। अरे इधर आइए प्रिंस। मुट्ठी में रेत लीजिए, लीजिए और थोड़ी जोर से दबाइए। अब मुट्ठी खोलिए, जिंदगी भी ऐसी जोर से पकड़ने जाइए तो हाथ से निकल जाती है। कभी भी Thank you.
डांटूंगा। कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी आनंद से होने वाली है, लेकिन जिस तरह वो इससे भागता फिरता है उससे तो यही मालूम होता है कि रेखा मुझे पसंद नहीं है। पसंद या क्या कह रहा, रेखा बेटी को मैंने पसंद किया, उसके पसंद ना पसंद का सवाल ही नहीं। एक बात और है, बुरा ना मानू, जिस तरह आजकल आनंद जिंदगी बसर कर रहा है उसे देखकर तो मुझे रेखा के भविष्य के बारे में डर लग रहा है। आप भूल गए मैं जो हूं। जब तक आप, लेकिन उसके बाद इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ये शादी की बात नहीं खत्म कर दी। ऑल राइट बेबी, ऑल राइट, यही तो मुसीबत है राय बहादुर। आप चिंता न कीजिए, आनंद मेरा पोता है, उसकी इज्जत मेरी। तब तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अच्छा तो मैं चलूं, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड। चलो बेबी। जाइए, मालिक आ रहे हैं। कितनी बार कहा सुबह परेशान मत किया करो, गेट आउट। सुबह नहीं छोटे साहब, 11 बज चुके, उठिए उठिए ना। क्या मुसीबत है, ठीक से सोने में नहीं देगा। पीजिए, चाय पीजिए। चाय नहीं, एक छोटा व्हिस्की ले कॉकटेल कैबिनेट में से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुना नहीं? नहीं, सवेरे सवेरे मैं ये जहर नहीं दूंगा। गेट आउट। दादाजी आप जो कर रहे थे कर लो। दादाजी यूं ही जरा ठंड लग गई थी। आनंद, न मैं झूठ बोलता हूँ न झूठ सुनने का आदि। ताज्जुब, सारी दुनिया कब से उठकर अपने अपने काम से लग गई और उसके 5 घंटे के बाद तुम्हारा दिन शुरू होता है। और अगर मैं ये कहूँ दादाजी कि वो लोग दिन शुरू होने से 5 घंटे पहले ही काम पर चले जाते हैं तो? हाँ, तुम तो यही कहो, इसलिए कि तुम्हें वक्त की कीमत नहीं मानी। वक्त गुजारने के लिए तुम्हारे पास काफी दौलत है, लेकिन तुमने कभी सोचा कि किस तरह एक मामूली आदमी की हैसियत, कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद मैंने दौलत पाई और तुम मेरी और आपकी क्या बराबर। मैं कह रहा 1 करोड़पति होगा और आपसे एक मामूली गरीब इंसान से बेटे। मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हें वही मामूली इंसान बना सकता हूं, लेकिन नहीं बनाऊंगा, इसलिए कि तुम्हारे में एक मामूली इंसान बनने की भी काबिलियत है। अल्लाह जी, क्या आप मुझे, मैं तुम्हें सुधारने नहीं आया, कितना कहने आया। कल शाम को तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हारी शादी पक्की। शादी? हाँ, इसलिए कि तुम दूसरे काबिल तो नहीं, सिर्फ तुमसे यही फायदा उठाया जा सकता है। रेखा एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी, रेखा तुम्हारी शादी का मतलब, जगह के सारे कारखाने मेरे हाथ में। मतलब शादी नहीं सौदा कर रहे। खोटे सिक्के यूं ही चलाए जाते हैं। अगर मैं खोटा सिक्का हूं तो इसका कसूरवार कौन है? आप चुप, नालायक, ऐसी बदतमीजी मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं भी ये शादी नहीं करूंगा, आप मेरी इज्जत से नहीं खेल सकते। जिसने अपने पांव पर खड़े होने की भी ताकत नहीं, जो मेरे सहारे के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता, उसकी क्या इज्जत? तुम हो क्या?
तुम्हारी हकीकत क्या है? आनंद, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं देखना चाहता हूँ कि मैं हूँ क्या, मेरी हकीकत। ओ, तो तुम देखना चाहते हो कि तुम कौन हो? तो सुनो, तुम जो सांस ले रहे हो वो भी मेरे पैसों की बदौलत। मेरे पैसों के बिना तुम एक दिन भी नहीं जी सकते। और हकीकत, हकीकत यह है कि रास्ते के कुत्ते भी अपनी रोटी खोज देते हैं और तुम इस काबिल भी नहीं। आनंद, आनंद, खाना लगाऊं मालिक? आनंद है? जी नहीं। उसे आ लेने दो। छोटे बाबू जिस तरह नाराज होकर चले गए, क्या वो आज वापस आएंगे? आएंगे नहीं तो जाएंगे कहां? हकीकत यह है कि रास्ते के कुत्ते भी अपनी रोटी खोज लेते हैं, तुम इस काबिल भी नहीं। कहीं भी, ये पार्क है, यहाँ सोना मना है, यहाँ रहोगे तो जेल की हवा खाना पड़ेगी। अब तो यहाँ से जेल ही अच्छा है, वहाँ कम से कम रहने खाने का बंदोबस्त तो होगा। ज्यादा बातें मत करो, सुनो 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 यहाँ से सुनो। क्या हुआ? यहाँ से निकाल दिया। निकाल दिया? बड़ा अच्छा किया, एकदम ठीक किया, इसमें गलती क्या है? अरे भाई ये पार्क है, हवा खाने की और आराम करने की जगह है, यहाँ तुम कैसे सो सकते हो? वो सामने फुटपाथ है ना, चलने फिरने की जगह है, वहां तुम सो सकते हो। वो देखो, वो देखो वहां कितने आदमी सो रहे हैं। नहीं समझ में नहीं आएगा। अच्छा तो देखो खाने पीने की चीज ले लो। अब एक दुकान में खाने पीने की चीज सजी हुई है, तुम्हें भूख लगी है मगर वहां से नहीं खा सकते इसलिए कि चोरी हो जाएगी। अगर भूख लगी है तो जमीन से उठा के खाओ, कचरे के डब्बे से उठा के खाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। यार पूरे शक्ल से ऐसा लगता है घर से झगड़ा करके आओ, और नहीं तो शहर में नौकरी की तलाश में आओ। बेकार बेकार ना, और पूरे शक्ल से ऐसा लगता है कि तुमने खाना वाना भी नहीं खाया। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। कहाँ? अरे मेरे घर। खाने सोने का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। नहीं भैया रहने की जगह तो हाँ, रहने की जगह मगर किराया ऐसी कोई बात नहीं, मतलब ये है कि मतलब अरे मतलब कि हर बात का मतलब निकलता है, अजीब आदमी तुम। चलो मेरे साथ। लेकिन पहले आप अपना नाम तो बताइए। हाँ आपने सीधा सीधा तुम, मेरा नाम है मोहन, छापे खाने में काम करता हूँ और रात पाली करके घर जा रहा हूँ। समझ में आ गई आपके? आइए आइए चलिए। अरे यार कमाल है तुम्हारा नखरा, इसमें शर्माने की कौन सी बात है? चलो चलो। ओहो हम इसके पीछे रहते हैं, जो मकान है उसके पीछे। क्यों मामू फिर खांसी शुरू हो गई? अरे ठीक हो जाएगा भाई। हाँ एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, मेरी बहन है, दिमाग की बड़ी तेज है। बाप रे बाप, मैं चला। अरे नहीं नहीं इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस तुम ऐसा करना तुम चुप रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। आओ आओ चलो आओ आओ। शांति, शांति, आई। ये ले डब्बा ले, डब्बा। शांति, तुम मेरी रात पाली से तुझे बड़ी तकलीफ होती है ना? मेरा मतलब है कि सो नहीं सकती, कुछ नहीं हो। बात क्या है? आज तुम गए क्यों? यही तो तुझमें खराबी है, कोई सीधी बात बोलो तो उसका भी उल्टा मतलब। सीधी बात मत कहो। अरे सुन तो,
बोलो क्या है? अरे शांति, आज तुमने खाना कम दिया था। क्यों? पेट नहीं भरा इसलिए। ओ, तो खाना बांट आए हो। देखो भैया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, रोज रोज खाना बांट देना। नए नए आदमी को पका लेना, बताओ तुम खा नहीं जाता। तुम मत खाओ, मत दो खाना। हाँ, एक रात को खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। ज्यादा ज्यादा भूख के मारे नींद नहीं आएगी, तो नहीं आए तो नहीं सुनूंगा। बस बस, ला तू खाना। अपने बाप ना के दम कर रखा है। अरे बारे मेरी बहन, अरे शांति काम कर, ये काम कर, एक प्याज ले आ, ऐसे भूखा मार के। अच्छा अच्छा, चल ली। नो भैया, अरे रोटियां खत्म है। अरे तुझे क्या मालूम कि मुझे कितनी भूख लगी आज। अरे शांति, ये मेरे मालिक है ना, पैसा देते हैं मगर खून चूस लेते हैं। आज मैं डबल खाना खाऊंगा। बासी रोटियां छोड़ दो भैया, मैं अब गरम गरम बनाए लाती हूं। अरे बाप, नहीं नहीं, तब तक तो मैं भूख से मर जाऊंगा। घर में जो कुछ भी हो तू वो ले आ। अच्छा भैया, ला ले आती हूं। आहा, अरे वाह 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 वाह, आ जाओ बैठ, बढ़िया तुम मेरे पास बढ़िया। वाह कितनी अच्छी है मेरी बहन, कितना अपने भैया का ख्याल करती है। वाह रे मेरी बहन, वाह। हिंकी हिंकी हिंकी, तो पानी पियो। अरे हाँ, पानी 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 पानी। भैया इधर देखो, देखो इधर, उधर नहीं, इधर इधर हिंकी इधर। समझी शांति, बेकार है बेचारा, धोखा था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि धर्मशाला ले चलो, यहाँ तो सदा व्रत लगा ही रहता है। अरे नहीं शांति, जरा सोच तो सही कि आधी रात को गरीब जाएगा कहाँ। जाएंगे ना सिंह समय, हमने दुनिया का भूखे नंगों का ठीक कले रखा है क्या? ए ए मनु साहब, किधर चले? जहाँ सिंह समय एक तो गरीबी ऊपर से अमीरों जैसा नखरा, बैठो चुपचाप बैठो। चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो, अब भी इसका गुस्सा कम हो जाएगा। बैठो, लो पानी पी लो, इसकी बंद हो जाएगी। वो तो अपने आप बंद हो चुकी है। झूठ, अपने आप नहीं, तूने डांटा ना इसलिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वहां पर खा लिया ना? खा लिया। सच? सच। नखरा। देखा मेरी बहन, जितनी आग भरी है ना इसकी जबान में, उतनी ही मिठास भरी है इसके। मैं समझ रहा था तुम्हारी बड़ी बहन है जिससे तुम इतना डरते हो। बड़ी कह लो छोटी कह लो, मेरी सब कुछ है, सब कुछ। भैया सो जाओ। नहीं मैं यहाँ सोता हूँ, तुम यहाँ सो जाओ। नहीं सुना तो ही सो, नहीं तो जा निकल यहाँ से। सो जाओ, सो जाओ, आराम से सो जाओ। ये लो तक खेल, ये लो, सो जाओ आराम से। अरे कितना दिन क्या आया और लाल साहब अभी तक सो रहे हैं। कितनी बार आप तुम्हें तंग मत किया करो, कह रहा हूँ। क्या अंग्रेजी में गाली दे रहे हो? खैर अच्छा ठीक है। ये कब के बच चुके हैं, भैया फैक्ट्री चले गए, दुनिया भर के लोग आते आते ऑफिस जा चुके हैं और लाल साहब अभी तक सो रहे हैं। जाओ हाथ में धो लो, मैं चाय लाती हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम।
तो मैंने जिंदगी में नहीं पिया, गर्म है ना इसलिए। कल बुरा तो नहीं मान गए? नहीं तो नहीं, मेरी जबान एक बार चल गई तो रोक ही नहीं रोकती। अच्छा औरत हूं ना। अच्छा तुम्हारे कौन कौन है? मेरा कोई नहीं। माँ बाप? माँ बाप भाई बहन कोई नहीं। झूठे कहीं के भाई नहीं तो भैया तुम्हारे कौन है? बहन नहीं तो मैं कौन हूँ? भूल हो गई। इतने उदास उदास क्यों रहते हो? काम नहीं इसलिए? तो क्या हुआ, जंगल में तो पड़े नहीं हो? वो सामने देखो, मिशन की माँ 70 वर्ष की बुढ़िया उपली बस कर रोटी कमा लेती, तो क्या तुम नहीं कमा सकते? इतनी हफ्ते कितने नौजवानों का हिम्मत हारते हो? सच कहती हो, हिम्मत नहीं आती क्या? तुम्हें खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ नौकरी ढूंढो। सुनो, नौकरी मिले चाहे ना मिले, दिन झाले लौट आना, घर में कोई बात करने को भी नहीं है। बात करने को या बात सुनाने? जाता हूँ कि नहीं? जाता हूँ। जाओ। जाता हूँ। Thank you.
बनी पैमाने, दिल हुए मस्ताने, राहें पड़ी मतवाली, आने लगे दीवाने, आंखें बनी पैमाने, ओ दिल हुए मस्ताने, राहें पड़ी मतवाली, आने लगे दीवाने। मिला मेरे गीत में फसाना तेरे प्यार का, मिला मेरे गीत में फसाना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का। गेसु बने जंजीरे, पैद हुई तकदीरे, नाच रही है जवानियां जैसे तेरी तस्वीर। गेसु बने जंजीरे, पैद हुई तकदीरे, नाच रही है जवानियां जैसे तेरी तस्वीरें। हाय तेरा नाम भी शगुफा है बाहर का, हाय तेरा नाम भी शगुफा है बाहर का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया, तेरा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का। जब भी तू शर्माई, दिल हुआ मेरा बिस्मिल, भोल भाले पातिल, हाय जीना कर दिया मुश्किल, जब भी तू शर्माई, दिल हुआ मेरा बिस्मिल, खाली नहीं जाता निशाना तेरे प्यार का, ओ खाली नहीं जाता निशाना तेरे प्यार का, मिलने तुझे जो गया जख्मी वही हो गया, तेरा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया, तेरा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का। अरे क्या किया, जला दिया, किसी जान के नहीं हो तुम, अब कौन खाएगा इससे? मैं खाऊंगा। काटे थे तो प्राण आ जाएगा।
काली परी। बाद अगर यहाँ आती हूँ तो ये चेताने के लिए नहीं कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ या आपसे बड़ी हूँ। आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि ये पढ़ने लिखने का थोड़ा सा सौभाग्य जो मुझे मिला है आप लोगों से बांट ले। अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं जाती हूँ। नहीं 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 रेनू भाई, ये बात नहीं है। बात क्या है कि दिन भर हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना थक जाते हैं कि पढ़ने का समय नहीं मिलता ना, इसीलिए तो पढ़ना चाहिए। आखिर इंसान दिन रात मेहनत मजदूरी क्यों करे? ये बात समझने के लिए, अपना हक और फर्ज जानने के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। एकदम बराबर बात है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। चलो 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 मैं है तो इतने शर्माने की क्या बात है? ओहो शर्मा रहे? अरे बुड्ढे बुड्ढे जा रहे हैं, चल तू भी चल, चल जल्दी। अरे चल ना, चल पढ़ने तो रही हूँ, चल ना। अच्छा रामू भैया तुम बोलो, अगर तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए महीने हो। मेरी पगार तो सिर्फ 55 रुपए है, 100 रुपया कहाँ से आएगा? सोच लो तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए महीने है। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ओहो मैं हिसाब सिखाने के लिए कह रही हूँ, सोच लो तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए महीने है और तुमने नंदू भैया को उसमें से 20 रुपए दे दिए तो कितने बचे? मैं क्यों उसे देने लगा? अगर दे भी दूं तो थोड़ा ही मुझे वापस करेगा। क्या मतलब? मैं उधार लेकर वापस नहीं लेता। तू मुझे बेईमान बनाता है। अरे मैं तेरे को मेरा दांत तोड़ेगा। अरे दांत पड़ जा। एक मोहन तू इस रामू के बच्चे को समझा दे। अरे जा 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 ज
सोच रही हैं कि 100 रुपए में से अगर 20 रुपए निकल गए तो कितने बचे? साफ साफ जवाब क्यों नहीं देता फिर? 80 रुपए। हाँ 80 रुपए। अच्छा आप बताइए, आप? यस सर। सर नहीं, मिस। मिस का मतलब? जिसकी शादी नहीं हुई हो उसे मिस कहते हैं। अब मेरी शादी भी नहीं हुई, इसका मतलब है मैं भी मिस हूँ। ओहो, आप मिस नहीं मिस्टर हैं। मालूम होता है आप अंग्रेजी में बहुत कमजोर हैं। अच्छा अंग्रेजी में बोलिए तो, मैं एक लड़का हूँ। आप क्या कहेंगे? आप लड़का कैसे हो सकते हैं? आप जैसे खूबसूरत लड़की को जो लड़का कहे वो या तो अंधा है और या पागल। आप बैठ जाइए, मुझे मालूम हो गया आपको एबीसी से भी वास्ता नहीं। फरीदा तुम बोलो, पीओ क्या होता है? गुड। शांति, पीओ क्या होता है? टू। वेरी गुड। क्या आप बता सकते हैं कि एनओ क्या होता है? एनओ? एनओ नू। अरे चुप जा, चुप बैठ। एनओ नू नहीं, एनओ नो। एनओ नो? टी आर ओ टू है और टी आर ओ टू है तो एन आर ओ नू नहीं होगा तो और क्या होगा? और अगर नहीं है तो मुझे समझाइए क्यों नहीं? समझाओ कैसे? ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है, कहने से बात नहीं बनती। आप देखिए, क में आ की मात्रा का, क में आ की मात्रा काका होता है, द में आ की मात्रा दा, द में आ की मात्रा दादा होता है, ब में आ की मात्रा बा, ब में आ की मात्रा बाबा होगा, बी भी नहीं होगा। क्यों भाई? बिल्कुल आप हमें समझाइए कि टी आर ओ टू है और टी आर ओ टू है तो एन आर ओ नू क्यों नहीं होगा? क्या मुसीबत, एनो नू नहीं एनो नो है, यही कायदा है। और ये क्या कायदा है, क्या नियम है, आप हमें समझाइए। हम लोग अनपढ़ हैं, आप हमें ठीक से पढ़ाइए, वरना आप कह दीजिए कि आप पढ़ा नहीं सकती, आपको कुछ नहीं आता है। आनंद, आनंद मेरा कह रहे इस वक्त तो बैठ जाओ, बाद में समझ लेंगे। बाद में समझ लेंगे, बाद में समझ लेंगे, और बात है, लेकिन तो कुछ नहीं आता है। गंगा बताओ माँ की अंग्रेजी क्या है? जी मदर। बैठो। चुन्नू तुम बताओ पिता की अंग्रेजी क्या है? फादर। वेरी गुड। नंदू भैया? जी मैं। हाँ दादा की अंग्रेजी क्या है? दादा अभी बताता हूँ। दीदी दीदी देखिए ना, पिताजी मुझसे पूछते हैं। चुप, मैंने तुझसे कहा पूछा? क्या मुझे अंग्रेजी नहीं आती? दादा का मतलब हुआ बाप का बाप, फादर, फादर टू फादर। दादा की अंग्रेजी है ग्रैंडफादर। नहीं मैं कुछ भी सुना नहीं चाहता। इतने दिन हो गए मेरे बच्चे की कोई खबर नहीं, अब क्या कैसे हवा हो गया? 7 दिन के अंदर अंदर से ढूंढ निकालिए, जाइए। देखो ये बिस्तर की हालत क्या बना रखी है, वैसे बिस्तर पर सोता है? वो नहीं है तो तुम लोग अपनी मनमानी करोगे, निकाल किसे? चटाई पर सोने का मजा है वो नंदू चाचा आ रहे हैं। क्या हुआ? मियां बीबी बाहर जा रहे, मुन्ने को तुम्हारे सर मंडना चाहते। अरे बाप। अरे ओ अरे अभी अभी तुम आते कर रहा था? वो तो ऐसे ही है, अभी बात करते करते सो जाते, सोते सोते बात करते हैं। अच्छा चलो अपना क्या, हम तो एक काम की खबर आए थे। काम तुम्हारा है। मैं भी करूंगा मां, मैं भी करूंगा। अरे यार बात ये है कि बीवी के साथ ससुराल जा रहा हूँ तो मुन्ने ने मुसीबत खड़ी कर दी। हाँ तो तुम्हारा ससुराल मुन्ने का ननिहाल है, इसे भी साथ ले जाओ। कमाल करता है, और टिकट नहीं लगी जी क्या? टिकट ससुराल और टिकट? अरे वो ससुराल नहीं, वो सनीमा वाला ससुराल, सनीमा वाला तेरी प्यारी प्यारी ससुराल। बस बस अब चल बकी नहीं, चलत है ना? नहीं तो से लक्ष्मण जैसे देवर रहत, कोनो चिंता नहीं। लो संभाल। अच्छा तो चलिए देवर जी। अच्छी बात है, चल चल। तू कहाँ चलेगा? बैठ। मैं कमिंग सर। कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर होम्स, तुमको याद है ना आज मिस्टर अनंत दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन यहाँ आने वाले हैं? जी हाँ।
आते ही उसे बाइज्जत यहाँ ले आना। जी हाँ। और सुना है तो वो थोड़ा सा क्रैक है, न जाने किस लिबास में चला है, कुछ पता नहीं। जी हाँ। ये जिया जिया क्या लगा रखा है? जी हाँ। और देखो, अगर कोई आदमी मुझसे मिलना चाहे या कहीं से टेलीफोन आए तो मैं इस ऑफिस में हूँ लेकिन नहीं हूँ, समझे? जी हाँ। जी नहीं समझा। आप गधे हैं। जी हाँ। That's all, sir. जी हाँ। देखिए। जी हाँ, ठीक रहा। आप बोल सकते हैं? जी हाँ, बोल भी सकता। मेरा मतलब मैं मैनेजर। मैनेजर कौन सी कंपनी का? मैं कंपनी के मैनेजर। वाह वाह, 3 साल से झक मार रहा हूँ और अपने मैनेजर को नहीं जानता। तो मेरी बात तो सुनिए। जी हाँ बोलिए। मैं इस कंपनी के मैनेजर से मिल सकता हूँ? जी नहीं, आज आप तो क्या उनकी बीबी भी आए तो नहीं मिल सकती। अच्छा ठहरिए ठहरिए, स्लिप में अपना नाम लिख कर जाइए, 2-3 दिन के बाद आइएगा, हो सकता मिला दूंगा। हाँ वो भी है। आपका नहीं मेरा, मैं पावर दूंगा मर जाऊंगा सर, मेरी 9 साल की नौकरी छूट जाएगी सर, मेरे मतलब 6 साल की नौकरी छूट जाएगी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मैनेजर सर आप ही इंतजार कर रहे हैं। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो तो पहले ही हो गया सर, आप पहले चलिए तो सही, प्लीज सर मुझसे कुछ मत बोलिएगा। आपके लिए क्या मंगाऊं? टी कॉफी कोला मंगोला? जी कुछ नहीं, मैं नो आपको जरूर कुछ ना कुछ पीना ही होगा। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी। मिस्टर गोम्स प्लीज सेंड सम कॉफी एंड सेंड अ सेकंड योर। आपको दिल्ली से चले आए बड़ी खुशी हुई। अब आप तो जानते ही हैं सूर्य प्रसाद थलमल का मलमल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारे जहान में मशहूर है। आप लीजिए 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 लीजिए, काफी पीजिए 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 काफी पीजिए। अब अर्ज क्या करूं, जब आप सैंपल देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए आप नहीं नहीं आप पीजिए ना पीजिए। अरे तुम नहीं जानती हो, तुम्हें पहले से क्यों नहीं पता है कि दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन अनंत बाबू के साथ तुम्हारी काफी जान पहचान है? अब फिर तो कोई झंझट ही नहीं रहा। नहीं सर है, मैं दिल्ली के अनंत बाबू को तो नहीं जानती लेकिन इन्हें जरूर जानती हूँ, यही बस्ती में रहते हैं। व्हाट, तो तुम आनंद नहीं हो? मैं आनंद ही हूँ लेकिन दिल्ली का आनंद नहीं बस्ती का आनंद। शट अप यू इंपोस्टर, क्या हमको ठीक करने को आया था? मैं पुलिस में भिजवा दूंगा, जेल में बिठा दूंगा। आपका झमेला मोल लेने से क्या फायदा, आप जा सकते हैं। Get out! Get out, you scoundrel! सर, सर, सर ये कहते हैं कि ये वो है, वो कहते हैं कि वो ये है। सर, कौन 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 है सर? क्या तक रहा है? मैं आनंद हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। Oh, hello, Mr. Anand. How do you do? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ क्या दिख रहा है? Get out! आपका सिगरेट। आई रखिए मिस्टर गोम्स हॉट कॉफी। जी हाँ। और बेटी तो मलमल का फाइल लिया। आनंद हाउ आर यू? सुनिए क्या है, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। आपने एक झूठे धोखेबाज को पुलिस के हाथों से बचाया, उसके लिए मोहब्बत। बस बस मुझे आप ही शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, आपकी बातें सुनने के लिए न मेरे पास वक्त है न तबीयत। तबीयत ना होने पर भी बहुत सी बातें सुनने ही। अब तक आप लोगों ने जो कुछ मुझे सुनाया है क्या वो सुनने के लिए मेरे पास तबीयत थी? कहना क्या चाहते हैं आप? ठीक है, आप शायद चोर पकड़ने के आदी हैं लेकिन मैं चोर बनने का आदी नहीं। मतलब ये कि मैं यहाँ ठगने नहीं आया था, नौकरी की तलाश में। फिर वही झूठ, आपको ABC से वास्ता नहीं और ऑफिस में नौकरी के लिए आया? जी हाँ आया था। और बाकी रही ABCD की बात, तो मेरा ख्याल है कि ग्रेजुएट को ABCD से वास्ता है। मालूम है आप क्या सवाल करें, यही ना कि मैं नाइट स्कूल में पढ़ने को गया था।
आपने जबरदस्ती स्टूडेंट बनाकर बिठा लिया था और यहाँ आया था नौकरी की तलाश में, आपने जबरदस्ती चोर बना के उठा लिया। अपराध सिर्फ इतना मेरा कि गरीब का नाम भी आ रहा है, मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम। उम्मीद है आप मेरी नमस्ते करेंगे। बड़ी गलती हो गई, अनजाने में मैं आपका अपमान कर बैठी, मुझे माफ कर दीजिए। फिक्र न कीजिए, हम गरीबों का मान अपमान क्या था, हमें नखरों के लिए सोचने की कहानी। नहीं नहीं जाइए नहीं, आप बैठिए, काफी पीजिए। जी पी तो सकता हूँ लेकिन देख लीजिए कहीं आपको तो ना सुन। नहीं आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। सर सर आने चले गए क्या? हाँ बेटी। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को नहीं मिला? मेरी समझ में नहीं आता बेटी, 3 बरस से मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद में रहा और आज मिस्टर अनंत 3 मिनट में 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे गए, मेरी बात तक नहीं सुनी, सैंपल तक नहीं देखा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये सच है या सपना। मैं बताऊंगी कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को क्यों मिला। क्यों? वो बस्ती वाले मिस्टर आनंद की बदौलत। What? That scoundrel? नहीं सर, वो स्काउंडल नहीं है, वो बेचारे तो नौकरी के लिए आए थे, उनको तो नौकरी नहीं मिली, पर हमारे लिए वो इतने किस्मत वाले हैं कि ऑफिस में उनके कदम रखते ही उनको 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आप शायद इस पर विश्वास नहीं करते लेकिन मैं तो करती हूँ। उनका अपमान करके ऑफिस से निकाल दिया गया है, मुझे तो डर है कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट भी ना हमारे हाथ से निकल जाए, इसलिए मैंने उन्हें अभी तक जाने नहीं दिया। ऐसे लकी आदमी को तो कोई नौकरी देकर जरूर ऑफिस में रख लेना चाहिए। नौकरी? नौकरी तो 100 रुपए महवार शॉर्ट एंड टाइपिस्ट की नौकरी है। सर वो शॉर्ट एंड टाइपिंग बहुत अच्छा जानते हैं। अच्छा? हाँ। जा उसे बुला रहा हूँ। चलिए मैनेजर साहब के पास, आपकी नौकरी का इंतजाम हो गया। हाँ 100 रुपए तनख्वाह। 100 रुपया? चलो टाइपिस्ट का काम। मर गया वो तो मुझे आते ही नहीं। कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगी, लेकिन याद रखिएगा मैंने जैसा कुछ भी कहे आप ध्यान ध्यान करते रहिए। जी हाँ वो उस टेलीफोन क्या सर मिस्टर आनंद आ गए। ओ मिस्टर आनंद, आप शॉर्ट एंड टाइपिंग जानते हैं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। क्या स्पीड है? स्पीड इजीली 80 miles पर आवर, इवन 90 miles। इनका मतलब है 1 मिनट में 80 शॉट। जी हाँ मेरा मतलब है 1 मिनट में 80 शॉट। 100 रुपए तनख्वाह मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, कल से काम पे आ जाना और बेटी इन्हें अपना काम समझा देना। जी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। अच्छा जी मैं बाहर जाता हूँ तो अपने भैया को अच्छे अच्छे खाने खिलाती। क्यों नहीं खिलाऊं? भैया को नौकरी तो मिल गई। नौकरी? हाँ। अरे तारू, ए रामू, अरे नंदू, अरे हमारे आनंद को नौकरी मिल गई रे। अरे क्या बात है, अरे आनंद को नौकरी मिल गई। आनंद कहाँ मिली नौकरी, पगार क्या है? सूर्य प्रसाद झलमल कंपनी में 100 रुपया महावार। 100 रुपया अपने रेनू बहन? हाँ एबीसी वाली, एबीसी वाली। इतनी अच्छी लड़की है, तन नहीं मन भी कितना गोरा है, कितनी दया, कितनी माया, कितनी हमदर्दी, सोचने से ताज्जुब होता है। और भी तो कितनी लड़कियां देखती है लेकिन ये बिल्कुल देवी लगती है। हाँ अरे चुप क्यों हो गया, बोल 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 बोल, मजा आ रहा है। मेरा मतलब है मालूम है क्या मालूम है? वही क्या छुपाना चाहते? क्या छुपाना चाहते? लाख छुपा छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, लाख छुपा छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपा छुप न सकेगा राज तो कितना।
बेनु कॉलेज से आ गई बिटिया? हाँ आज तबीयत कैसी? तबीयत तो ठीक है लेकिन क्यों बेटी आज भी उनकी चिट्ठी नहीं आई? अरे आज तो आनी चाहिए। नीनू जरा लेटर बॉक्स देख पिताजी की चिट्ठी आई कि नहीं। अभी दिख रही थी कोई चिट्ठी नहीं। एक बार फिर से देखा यदि नहीं है ना देखे जाके। बाप रे बाप जब देखो मीनू मीनू पढ़ने के लिए छोटी होकर पैदा हुए। रेनू आज तो पढ़ाने जाएगी ना? नहीं माँ कल जाऊंगी। दीदी चिट्ठी देखा ना माँ? मैंने कहा ना पिताजी नियम से चिट्ठी लिखी है। पढ़ तो देख कब आने को लिखा है। रेनू बिटिया तुम लोगों का खत मिला मेरे लिए इतना फिक्र क्यों करते हो? मैं यहाँ का काम खत्म होते ही चलाऊंगा। माँ की देखभाल करना और उनसे कहो कि मैं मजे में हूँ चिंता ना करें। सबको आशीर्वाद तुम्हारा बाबू। और मेरे लिए कुछ नहीं लिखा? हाँ, बाद में लिखा है। लिखते हैं मीनू रानी कैसी है मेरे ढेर से प्यार। आने के बारे में क्या लिखा है? बस तो जी अम्मा काम खत्म होते ही चले आएंगे। उन्हें लिख दो जल्दी चले आए रूखे सूखी खाकर गुजारा करेंगे। कब तो वो दूर नहीं रहे। अच्छा कब तक ही झूठा भी नहीं कर आखिर कब तक? मुझसे और नहीं होता अब और नहीं होता। आगे बढ़े? आगे कैसे बढ़ूं यहाँ तो सब गलत है। आप खुद ही देख लीजिए ना बचपन में सीखा था कि ए के बाद बी और बी के बाद सी और सी के बाद डी लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा है। ये क्या आप मेरा नाम क्या लिख रहे हैं? आप फिक्र न कीजिए आप कहेंगे तो उसके बाद मैं आनंद 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 टाइप। देखिए आप मन लगाकर काम कीजिए मैं बोलती हूँ आप टाइप कीजिए। अच्छी बात है। डियर मिस्टर आनंद। जब आप डियर कह रही हैं मिस्टर कहने की क्या जरूरत है? आप सिर्फ मुझे आनंद ही कहिए। मैं आपकी बात थोड़ी कर रही थी मैं तो दिल्ली वाले आनंद को चिट्ठी लिखवा रही हूँ। मैं भी सोचा मेरी बात लिख सकता हूँ। आनंद बाबू मैनेजर साहब ने आपको बुलाया कॉलेज पेंशन लेकर आए। रेनू जी मैं घर चला। नहीं आप मैनेजर साहब के पास जाइए और जो जी ने आए लेते हैं। लेकिन फायदा चाहिए ना चाहिए ना अरे चाहिए थी। कौन मिस्टर आनंद प्लीज सिट डाउन लेटर Mission Sunshine Block Mills, Delhi. Dear sir, re-manufacturer of tags. We are in receipt of your letter dated 14th June and have noted the contents with thanks. Hera. Naturally, we like to make tags for you. Thanking you in anticipation, yours, etc., etc. You got it? Yes, sir. Quick, type it and bring it back. अच्छा जी मुझे इजाजत दीजिए मैं चला। आखिर पकड़ा गया ना लीजिए। थैंक यू सर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस गेट आउट लेके अंदर आओ। May I come in, sir? Come in. सब लेटर। लेटर? So quick, so fast? जी हाँ मैं बचपन से टाइपराइटर से खेलता रहा हूँ ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। Easy.
सुनो 10 रुपए इंक्रीमेंट कम है 20 रुपए इंक्रीमेंट 20 रुपया हाँ इसी तरह मन लगाकर काम करोगे तो और ज्यादा तरक्की मिलेगी थैंक यू सर क्यों नहीं क्यों नहीं 20 रुपए का इंक्रीमेंट जो मिला है बात नहीं कोई बात नहीं आप भी मन लगा के काम कीजिए आपको भी मिलेगा आपका खाना बहन जी बस आनंद बाबू अब लंच टाइम हो गया आप क्या खाएंगे साहब आमलेट कटलेट पेटीज मुर्गी बस 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 इस चवन्नी में ऑमलेट कटलेट मुर्गी सब कुछ मिलेगा इसमें आमलेट चटलेस तो क्या घासलेट भी नहीं मिलेगा तुझे कप चाय ले आओ खास में तो चाय अच्छी है चाय से भूख मिटेगी मिटेगी तो नहीं लेकिन वक्त तो जाएगी क्यों ऑर्डर दे दिया जी मैं सिर्फ चाय पीऊंगा सिर्फ चाय क्यों ये बात यह है कि मैं सुबह बाकी नाश्ता करके आया था मुझे बिल्कुल भूख फिर भी मेरे साथ कुछ तो खाइए साथ देने के लिए आप कहती हैं तो साथ देने के लिए तैयार हूँ लेकिन कुछ खा नहीं सकूंगा आप खाइए मैं देखता हूँ वाह ऐसी नजर नहीं लग जाएगी नजर तो कब की लग चुकी है जी मेरा मतलब बस है कि बस मतलब समझाने की जरूरत नहीं ये जरा चेक कर देखिए ना ये तो मटर पनीर है खाइए ना आप नहीं खाएंगे तो मुझे बहुत दुख होगा ऐसी बात है तो मैं जरूर चख के देखता हूँ ये मटर पनीर तो बहुत अच्छा बना है और ये गोभी की भाजी भी गोभी की भाजी भी बहुत अच्छी बनी यहाँ की कैंटीन बहुत अच्छी है कौन बनाता है खाना अच्छा आपके घर पे कौन कौन है अभी तक शादी नहीं हुई है मैंने ये थोड़ी पूछा था आपने नहीं पूछा फिर भी बता देता हूँ बस पूछिए तो मेरा कोई नहीं कम से कम कल तक तो कोई नहीं आपके घर में कौन कौन है माँ और एक छोटी बहन अरे मैंने तो सारा खाना खा लिया आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं आप चिंता न कीजिए मुझे बिल्कुल भूख नहीं जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसमें शर्माने की क्या बात है आप नहीं समझ सकते आनंद बाबू आज मैं कितनी खुश हूँ लड़के को खुद खाने के बजाय दूसरों को खिलाने में ज्यादा खुशी मिलती अब तो सच बता दी मैंने सुबह कुछ नहीं खाया था बहुत भूख लगी वो तो मैं जान गई थी एक बात पूछो आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों इसमें मेहरबानी की क्या बात है आपकी तरह मैं भी गरीब हूँ और हर गरीब को भूख का सामना करना ही पड़ता है आपकी भूख भूख नहीं है आप मेहनत करती हैं तो क्या दूसरों को खिलाने के लिए यकीन मानिए आप ही मेरे पहले दूसरे हैं भगवान करे कोई दूसरा ना आए जी मैंने कुछ कहा जी नहीं आप हाथ धो डालिए और फौरन बैठ जाइए प्रैक्टिस के लिए जी सुनो भाई सुनो 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 आज टीचर नहीं आएगी आज आप लोगों को छुट्टी अरे मोहन ए मोहन लक्ष्य की होटल में चाय पियेंगे क्या लक्ष्य क्या चल भाई मैं हाजिर हूं बहुत देर लगा दिया आपने कब से आपका इंतजार कर रहा हूं आइए शुरू कीजिए और सब कहां गए जाते कैसे आई नहीं आई क्यों सब लोग बीमार हैं सिर्फ मुझे छोड़कर देखिए मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं जाइए आप सबको बुला के लाइए अब छुट्टी ही दे दी है तो बुलाने कैसे जाऊं सब लोग मुझे मुझे झूठा नहीं समझेंगे समझेंगे क्या आप हैं आप छुट्टी देने वाले होते कौन आखिर आपने छुट्टी दी क्यों अकेले बनना चाहता हूं
बढ़िया हो ना, इसीलिए और सब लोगों के सामने पढ़ने में जरा शर्म लगती है। फिजूल बातें मत कीजिए, जाइए और बुला के लाइए सबको। नाराज ना होइए, गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एकदम मस्त नहीं लगती। फिर आप बुलाने जा रहे हैं कि नहीं? जाइए। जाता हूँ। क्या है? देखिए बारिश हो रही है, उज्जत भी नहीं चाहती है कि वो लोग पढ़े। नहीं जाएंगे ना? आपके पास कोई छाता है? जी नहीं। इसका मतलब है कि भीगना पड़ेगा। देखिए बीमार हो सकता हूँ, निमोनिया भी हो सकता है, मर भी सकता हूँ। ठीक है आप यहीं रहिए, मैं जाती हूँ। नहीं आपको नहीं जाने दूंगा, भगवान न करे आपको। मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं, मैं ही चला जाता, मरना ही है तो मैं ही मरूं। अच्छा मैं चला। नहीं नहीं मत जाइए। क्यों? ठीक तो आ गई। आपका मतलब है बच्चों हो गया तो क्या हुआ, मरना तो मुझे ही। बस बस बड़े बहादुर हैं, आइए अंदर। मैं जानता था आप जानबूझ के मुझे मुसीबत में डाल ही नहीं सकती हैं, आखिर लड़के हैं, पत्थर दिल तो नहीं। अब आप चुप बैठेंगे कि नहीं? जी जी आपने कुछ कहा? नहीं सर। जी जी आपने कुछ कहा? जी ना, मैं ये कह रहा था देवी जी कि जिस तरह आप बुत बनी खड़ी हैं, ऐसा लगता है कि मुझे बुत ही की पूजा करनी पड़ेगी। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, हर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, हर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके, तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के, रूप की चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके, तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के, रंग वफा का मैं तेरी मूरत में भरूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। मन मंदिर में तुझको बिठा के रोज करूंगा बातें, शाम सवेरे हर मौसम में होंगी मुलाकातें, मन मंदिर में तुझको बिठा के रोज करूंगा बातें, शाम सवेरे हर मौसम में होंगी मुलाकातें, दिल का हाल कहूंगा तुझसे मैं ना डरूंगा,
पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। एक अजायब खाना लेकिन फिर भी पानी, इस धरती पर अमर रहेगी मेरी प्रेम कहानी। दुनिया एक अजायब खाना लेकिन फिर भी पानी, इस धरती पर अमर रहेगी मेरी प्रेम कहानी। चाहे कितने रूप में आऊं तेरा रहूंगा, पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। Come in. Mr. Anand, take down the letter, please. लेकिन सर रेनू जी अभी तक नहीं आई। रेनू? What do you mean? मैं बैग लेके आता। आनंद बाबू, मैनेजर साहब कब से बुला रहे हैं, जल्दी जाइए, बहुत नाराज हो गए, जल्दी जाइए। सुनो 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 सुनो, ये रेनू जी का बात है। मुझे क्या मालूम, आप जल्दी जाइए। कितनी देर लगती है पैद लाने में? एक गांव चले सर, टू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी संताक्रूज बॉम्बे। यस सर। We wish to strongly protest at the delay in your delivering us the staple cotton which we ordered on the 5th of January. You promised to give us the delivery within a month's time. Sarah, we fail to understand at this neglect on your part of an old and a regular customer. Yours, etc., etc. Got it? Yes, sir. Tell the type karke lao. Wait! रेजिग्नेशन लेटर सर। मेरा इस्तीफा। इस दफ्तर में कोई इस्तीफा नहीं देता, यहां से आदमी निकाले जाते हैं। Get out! कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे। झूठ
रिश्ते आया मैं दिल वालों में, सच कहता हूँ चोर थे ज्यादा दौलत के रखवालों में, तोड़ के झूठे नाते रिश्ते आया मैं दिल वालों में, सच कहता हूँ चोर थे ज्यादा दौलत के रखवालों में, कल की दौलत आज की खुशियाँ उनकी महफिल अपनी गलियाँ, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे। इस दुनिया ने बात न पूछी, इस दुनिया ने प्यार दिया, बैठा मन के राजमहल में सपनों का संसार दिया, उस दुनिया ने बात न पूछी, इस दुनिया ने प्यार दिया, बैठा मन के राजमहल में सपनों का संसार दिया, कल की दौलत आज की खुशियाँ उनकी महफिल अपनी गलियाँ, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे। आसमान पर रहने वालों धरती को तो पहचानू, फूल किसी मिट्टी में महके तुम मानो या ना मानो, आसमान पर रहने वालों धरती को तो पहचानू, फूल किसी मिट्टी में महके तुम मानो या ना मानो, कल की दौलत आज की खुशियाँ उनकी महफिल अपनी गलियाँ, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे। गई नौकरी किसकी? अनंत भैया की। क्यों? तुम तो नहीं गाते गाते आ रहे हैं। अरे पगली, गाते गाते आ रहा है इसका मतलब ये है कि पगार बढ़ गई होगी। नहीं भैया, मैंने ही कहा था नौकरी जाने से गाते वक्त लौट आना। सब जाना क्यों गई नौकरी? देखा भैया तो क्या हुआ, अट्टा कट्टा नौजवान हूँ दूसरी मिल जाएगी। हाँ ये हुई ना मर्दों वाली बात। चशांति जल्दी से खाना बना, बहुत जोर से भूख लगी है। और सुन, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। पागल, प्यार से दी हुई चीज भी कहीं नकली होती है। ए, तुझे पसंद है ना? क्यों नहीं, जैसे मेरा भाई वैसे हार। अठन्नी का हार और इतना मस्का देखा, चलते भैया। बाप रे, पराठा बनाऊ पराठा? अरे मेरी पगार मिलने दे, मेरी पगार जो मिलेगी ना तो तेरे लिए मैं बोलाऊंगा, वो इसे बढ़िया खिलाऊंगा। क्या मैं बताऊं इसके लिए क्या लाओ? इसके लिए दूल्हा लाओ। मोहन, आज तू यहाँ सो जा और मैं यहाँ जमीन पर सो जाऊं। अरे क्यों भाई? ओ छोट, तेरा कोई कसूर नहीं भैया, नौकरी छूटने के बाद हर आदमी उल्टी सीधी बातें करता। मुन्ने आती हूँ भैया। क्या आज मुझे सुना दे? अच्छा बाबा,
कब से बैठे हो? बात क्या है भैया? तबीयत तो ठीक है ना? समझी, जैसे दुनिया में और कोई बेकार नहीं है। थोड़ी देर मुझे अकेला है। नहीं, उठो, अंदर चलो। छोड़ मुझे, परेशान ना कर। नहीं उठोगे ना? देखो सीधी तरह से अंदर चलो, नहीं तो दरवाजा बंद कर दूंगा। हाँ, कर ले दरवाजा बंद। तेरा बोझ हल्का हो जाए, मेरी भी जान बचे। शांति, शांति। क्या हुआ? मुझे इतना जाने क्या हो गया है, गुस्से में शांति को कड़ी बातें क्या बेटा? तो क्या हुआ? जो प्यार करते हैं वो डांटते भी हैं। मुझे प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है। 3 महीनों से एक नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा हूं। इन लोगों ने खुद ना खाकर मुझे खिलाया है और बदले में मैंने दुनिया हमें सताती, हम उसे तो सता नहीं पाते, इसलिए वो सारा गुस्सा हम उन पर उतारते हैं जो हमारे करीब हमारे पास नहीं। यही तो सवाल है रेनू, जब भगवान हमें कुछ देना नहीं चाहते हैं तो कुछ पाने का सपना क्यों दिखाते हैं? इसीलिए कभी कभी सोचता हूं कि इस दुनिया में चोरी किए या छीने बगैर कुछ नहीं मिल सकता। बाप रे बाप, तू मामला यहां तक पहुंच गया, फिर समझाने से कोई फायदा नहीं। अच्छा तो मैं जेल में मिलने आऊंगी। शांति नाराज हो गई। शांति, अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, इनका दिमाग जरा गर्म था, शांति को डांट दिया। बस इतनी सी बात है? बड़ा अच्छा किया शांति को डांटा इसने। वाह, हां बड़ा है, अगर बड़ा होकर छोटे को डांटेगा नहीं तो बड़ा होने का फायदा क्या है? हां हां मैं बड़ा हूं, देखो मैं भी जाके उसे भी डांटता हूं। जाइए, आपकी जाइए, दो मीठी बातें कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। शांति चल, आ यहां बैठिए तू। अरे मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे खाना दे दे जल्दी से। अरे चुप्पी क्या लगा रखी है? अरे मुझे भूख लगी, खाना देना। घर में कुछ नहीं है भैया। पगली कहेगी तो तू क्या सच समझ गई? अरे मुझे भूख भूख कुछ नहीं है। हाँ तुम ये ना हो, मुझे है, आनंद भैया को है, घर में खाना भी नहीं। कहाँ चले? देखता हूँ कहीं से कुछ उधार उधार मिल जाए। नहीं, उधार लेने की कोई जरूरत नहीं। शांति ऐसी हालत तो हमेशा नहीं रहेगी भैया, आनंद भैया को नौकरी मिलती सब ठीक हो जाएगा। लो बेच के सामान खरीद लो। और देखो आनंद भैया न जानने पाए। चाहता हूं तुम बोझा। अरे तू तो अमीरों जैसी बातें कर रहे है। ये बोझा बोझा वही लोग बोलते हैं इसलिए कि अमीर है ना, अपनी अमीरी बांट नहीं सकते बेचारे, लेकिन हम गरीब हैं, अपनी गरीबी बांट ले। कब तक? हमेशा। हमेशा चाहती हो जो भी चूड़ियां मुन्नी की बची है वो भी चली जाए? ओ चूड़ियां देते तो देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि किस उम्मीद के साथ उस बेचारी ने चूड़ियां उतार कर दे दी थी। इसलिए कि वो सोचती थी एक दिन ये दोनों भाई उसके हाथ चूड़ियों से भर देंगे, और तू उसे छोड़कर जा रहा है डरपोक। जाने दो भैया, तू
जाना चाहते हो ना, जा साथी से भी लेते जाओ। आज पता चल गया इस सिर्फ छोटे मोतियों का ही नहीं छोटे प्यार के भी हार है। जाओ चल जाओ यहां से। मुझे माफ करो, मैं इस हार की सौगंध खा के कहता हूं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। आनंद, अरे वो आनंद, नौकरी ढूंढने जा रहा था तूने बीच में टोक दिया। रुक पगले, माँ बहन और दोस्त के टोकने से कहीं अपशगुन नहीं होती। अरे देख, मैंने तेरे लिए नौकरी का बंदोबस्त किया है। नौकरी? हाँ, लड़कियों के स्कूल में मोटर बस चलाने का। इनसे कल परसों आराम से मिल लेना। कल या परसों क्यों, अभी जाता हूं। हाँ? तो से बाबूजी, मेरा बटुआ कोई चुरा ले गया। बेकार बातें मत करो, टिकट नहीं है तो पैसे निकालो। पैसे भी उसी में से। मैं सब समझता हूँ, पैसे नहीं है तो मैं पुलिस में दे दूंगा। नहीं नहीं बाबूजी, दया कीजिए, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मैं उसे देख लूंगी। मैं ये सब फालतू बातें सुनना नहीं चाहता, पैसे निकालो। मैं सच कहती हूँ बाबू जी, मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज, ये रहा बटुआ माता जी, ये रहा बटुआ, ये बटुआ तुम्हारा है। हाँ, मैंने अभी आपको देखा है, बटुआ निकाल के झूठ बोल गया। आपको मालूम है ये बटुए के साथ पकड़े गए, फिर भी आप इनकी जमानत देना चाहती है? जी हाँ। ठीक है, याद दस्तखत कीजिए। थैंक यू, आप जा सकते हैं, आप भी याद दस्तखत कीजिए। आप भी जा सकते हैं। रेनू, रेनू, क्या बात है रेनू? उस दिन जब आपने कहा था कि चोरी करना ही अच्छा है तो मैं समझी थी दुखी होकर कह रहे हैं, लेकिन आप सचमुच तुम भी यही समझ रही हो कि मैंने चोरी की है? मेरे समझने ना समझने का तो सवाल ही नहीं उठता जब आप बटुए के साथ। बेटा, बहुत चोट लगी। नहीं माँ जी, आप घर जाएंगे? नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, दरोगा जी से सब कुछ करके जाऊंगी, नहीं तो मेरी बीमार बेटी का भगवान भला नहीं करेगा। दरोगा जी, अरे इन्हीं का बटवा तो चुराया था। नहीं, ये चोर नहीं, मेरी बेटी बीमार थी, मैं उसे देखने जा रही थी, गरीब हूं ना, मेरे पास पैसा नहीं था, माँ का दिल बिना टिकट ही बैठ गई। जब चेकर को देखा तो घबराहट के मारे मैंने बटुआ छुपा दिया, उन्होंने समझ लिया ये मेरे बटुए में नोट रखने आए, इसे चोर समझ के सब लोगों ने पकड़ लिया। सच कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ, मेरी बीमार बेटी की कमी में सच कह रही हूँ। बेटा, दुनिया की यही रीत है, भलाई करने जाओ बुराई मिलती है, पर इस बुढ़िया का तुम्हें आशीर्वाद है, सदा सुखी रहो बेटा। बूढ़ी माँ, अपना पर्चा यहाँ दिखा दो, क्या नाम है आपका? आनंद बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, सारी दुनिया मुझे गलत समझे, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन रेने तुम इतने बड़े झूठ को तुमने सच समझ लिया। आनंद बाबू, क्योंकि मैं खुद ही एक बहुत बड़े झूठ के साए में जिंदगी गुजार रही हूं, यहां तक कि झूठ ही मेरे लिए सच बन गया है। आइए मेरे साथ, मेरे घर, फिर आपको मालूम हो जाएगा रेनू ने आपको क्यों गलत समझा। आइए आइए,
आइए ना। रेनू, किससे बात कर रही हूँ? माँ, ये मेरे कॉलेज के दोस्त है आनंद। आओ बेटा। जी नमस्ते। जीते रहो, माँ की गोद भरी पूरी रहो। जी मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, जब मैं छोटा सा था मेरी माँ चला से। ओह, तो क्या हुआ माँ, आप जो मिल गए? नहीं बेटा नहीं, मैं बड़ी अभागन माँ हूँ। नहीं तो क्या, मेरा जवान बेटा यूं चला जाता। माँ कैसी हो तुम, पहली बार वो घर पे आए हैं और तुम? हाँ हाँ, बुरा नहीं माना बेटा, मेरी आदत ही कुछ ऐसी है। आप आइए मेरे साथ। जाओ बेटा। रेनु, जानती हूँ आप क्या कहेंगे, यही ना कि मैंने आपका परिचय कॉलेज का दोस्त कहकर क्यों दिया। आज मैं आपको सब कुछ बताती हूँ आनंद बाबू। मेरे बड़े भाई थे, बड़े ही होनहार, उनको लेकर माँ बाबूजी न जाने क्या क्या सपने देखा करते थे। भैया विलायत जाएंगे, एक बड़े इंजीनियर बनेंगे, इसके लिए और बहुत रुपयों की जरूरत थी। सो पिताजी बड़ी तनख्वाह पर अफ्रीका चले गए। मैं उन दिनों नई नई कॉलेज पहुंची थी, कुल 3 ही साल तो हुए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे एक युग बीत गया हो। सब कुछ ठीक से चल रहा था, पिताजी का खत आता था, रुपए आते थे, भैया दिन रात पढ़ाई में जुटे रहते थे, घर सुख और शांति से भरपूर था। अचानक एक दिन भैया कॉलेज से बुखार लेकर आए, 15 दिन बेहोश रहकर और सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे लगा जैसे पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। माँ तो पत्थर हो गए, बाबूजी खबर पाते ही रवाना हो गए, लेकिन भाग्य तब तक हमसे रूठ चुका था। बाबूजी जिस प्लेन से आ रहे थे वो पहुंचा ही, रास्ते में ही गिर पड़ा। आनंद बाबू, माँ को सिंदूर लगाने का कोई अधिकार नहीं, उनका दिल पहले से ही कमजोर था। डॉक्टर साहब ने कहा वो ये दूसरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। फिर तो कितने ही तूफान आए और चले गए, ये घर गिरवी रखना पड़ा, मुझे नौकरी करनी पड़ी, माँ को कुछ पता नहीं, उससे कहती हूँ पढ़ रही, खुद लिखती हूँ और बाबूजी का खत कहकर सुना देती हूँ। तनख्वाह हाथ पे रख देती, कहती हूँ बाबूजी ने रुपए भेजे, अभी नहीं, अब तो सारा जीवन अभिनय बनकर ही रह गया। कभी कभी सोचती हूँ कि बस अब और नहीं होगा। क्या बता सकते, भगवान ने इतना बड़ा बोझ ये अभिनय मेरे सर पर क्यों ला दिया। रेनु, ये जीवन ही एक नाटक है जिसमें हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। भगवान ने तुम्हें इतनी बड़ी भूमिका दी है तो सिर्फ इसलिए उसे तुम पर भरोसा है, विश्वास है। लेकिन आज तुमसे मैंने एक बात सीखी कि वो झूठ सत से 1000 गुना बड़ा है, क्योंकि जिस दुखी को शांति दे सुख पहुंचा है। ओ, तो नंदू ने तुम्हें भेजा है, तुम्हें स्कूल के काम के बारे में कुछ मालूम है? जी हाँ, जिसके साथ मेरा वो चल रहा है ना, वो भी आप ही की तरह मास्टर नहीं। बस बस ठीक है, 150 रुपये तनख्वाह मिलेगी, कल छुट्टी है, बस चलाकर देख लेना, अगर कोई खराबी हो तो उसे नंदू के गैरेज से ठीक करा लेना, और बच्चों का मामला है, जिम्मेदारी का काम है, होशियार रहना। जी बहुत अच्छा, ये लो गाड़ी की चाबी, और ये लो शर्ट पैंट और टोपी। फिर कह देती हूँ गाड़ी आहिस्ता चलाना। जी मैं बिल्कुल ही आहिस्ता चलाता हूँ। जाओ। मारूंगी तुझे।
अरे शरीर कहेगी। मीनू कह रही तुम थोड़ी उधर डालू। आप यहाँ कैसे आ? दरवाजा खुला था चला आया। माँ की इजाजत से। कमरा मेरा है, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं। जी नहीं, अगर माँ की इजाजत मिल जाए तो आपको यहाँ से उठा के भी ले जा सकता हूँ। बाप रे, बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। वहाँ कुछ क्यों नहीं होगा, बेकार से बाकार हो गया। तो नौकरी मिल गई? कहाँ की ऑफिस में? ऑफिस वापिस कोई नहीं, और शायद आप सुन के खुश भी नहीं होंगी। क्यों? एक ड्राइवर का छोटा मोटा सा काम मिल गया है। काम कभी छोटा नहीं होता आनंद बाबू, मैं तो सिर्फ उन्हें छोटा समझती हूँ जो खुद कुछ नहीं करते। अपने बाप दादों की कमाई पर गुजर करते हैं और समाज पे बोझ बने रहते हैं। आप तो मेहनत मजदूरी करके गरीबी से लड़ रहे हैं, इसीलिए तो मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ। जी, एक बार फिर से कहिए। क्या? कि आप मुझसे देखिए। हाथ जोर से लगा क्या? देखो तो यहाँ कोई निशान तो नहीं है। जरूरी है कि निशान यहाँ हो। तो और कहाँ होगा? आप अपनी हैसियत से बाहर जा रहे हैं, फूले नहीं, आप एक मामूली ड्राइवर हैं। जी मैम साहब, गुस्ताखी माफ। जल्दी से तैयार हो जाइए, गाड़ी आपको बहुत देर से इंतजार करेगी। अच्छा, गाड़ी लाए हैं? बहुत बड़ी गाड़ी है। फौरन तैयार हो जाइए, मतलब माँ की इजाजत लेकर आपको जबरदस्ती खींच के ले जाऊंगा। चलिए, हाथ तो छोड़िए। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों से तम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी होशियार गम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों से तम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया। तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। चांद सूरज भी है तेरी
परछाइयां तुझसे रोशन हुई दिल की गहराइयां चांद सूरज भी है तेरी परछाइयां तुझसे रोशन हुई दिल की गहराइयां तेरे चेहरे की झिलमिल से मंजिल मिली ओ तेरे चेहरे की झिलमिल से मंजिल मिली ऐसी प्यारी पूनम सर आंखों पर मैंने बदले में प्यार के जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर बाबा लोग बांध लो पक्की जल्दी 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 शाबाश रेडी 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 ना आया पकड़ लिया जाने कौन है देखने से एकदम पागल लगती है आवाज करें रो नहीं बेटी रोने से क्या फायदा साफ़ बताओ ना मैंने कहा हेलो प्रिंस चौंक गए और फिर क्या हुआ और फिर एक मामूली लड़की का हाथ पकड़ उसे स्कूल बस में बिठा और खुद ड्राइव करके चले गए स्कूल बस कौन से स्कूल की बस सरोजनी गर्ल्स स्कूल सरोजनी गर्ल्स स्कूल आनंद पेट्रोल पे डाला अब तेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है हाँ आनंद तू ये बस लेकर कहीं घूमने गया था क्या मैं भी यही सोच रहा था कि ये बटुआ किसी स्कूल के लड़के का है ये तो ये किसी और का है ना वही एबीसी वाले है ना मैं तो पहले ही समझ गया ना चल अपनी कहानी सुना कहानी वाली कुछ नहीं है भाई कहानी नहीं तो सच सच ही बता दे भाई तो तू अपनी तरफ यूं घूर के मत देख नहीं बताता है तो ये बटुआ फिर हेडमास्टरानी के पास पहुंच जाएगा हाँ कुछ नहीं यूं ही समुद्र के किनारे जाकर हाँ। पास पास बैठे रहे क्या कहा समुद्र के किनारे पास पास बैठे रहे गधा कहीं का क्या अरे भाई तुझे नहीं तू आगे सुनो नीला आसमान लहरों का मधुर संगीत आंखों में आंखें डाल आंखों में आंखें डाल के उल्लू का पट्टा कहीं का फिर गाली दी अरे बाबा तुझे नहीं तू बोलना आगे बाहों में बाहें डाल कम्बा हो क्या गया गालियां पर गालियां दिए चला जा रहा है अरे बाबा तुझे गालियां नहीं दे रहा हूँ मैं अपने आप को गालियां दे रहा हूँ आनंद जिंदगी भर मैं किसी लड़की का हाथ लेकर समंदर के किनारे नहीं बैठा भाभी का हाथ भी नहीं पकड़ा है तेरी की किसका नाम लिया तूने अरे भाभी भी कोई लड़की है जो उसका हाथ पकड़ू भाभी का हाथ पकड़ना और मरे हुए सांप का हाथ पकड़ना बराबर है बोलूंगा भाभी से देख आनंद बोलना मत मैं ये कह रहा था कि तू बड़ा भाग्यवान है रे तू भी भाभी से मीठी मीठी बातें कर नगमे सुना तू भी भागवान हो जाएगा सच कहते हैं वो आ रही है जा जा जल्दी से जा आज मैं भी उसको मीठे मीठे गीत सुनाऊंगा जा तू जाना यार कबाब में हड्डी मत बन जा ना यार लो खाना लो आओ आओ रानी आओ तू आए के खड़ी भई हो तो ऐसे लगे कि जैसे कड़ी लोग झूल के खड़ी भई गए तुम्हारा आँख अरे तुम्हारा आँख जैसन की सर्च लाइट का तुम्हारा आवाज अरे तुम्हारा आवाज मर्सिडीज लारी का हॉर्न और तुम्हारा मुंह जैसे चौधरी का चांद
चौधरी का चांद कार्तिकस लाई हका। अरे शनि मनाही पगली तो हर मुंह जैसे चौधरी का चांद। आज तो अमास है। अरे हमारा मजा किरकिरा ना कर रानी, हमारी तबीयत चाहते है कि समंदर का किनारा हो, ठंडी ठंडी हवा हो, तू हो, हम हो, हम हो, तू हो। अच्छा तो आज फिर दारू पिया था का? अरे दारू नहीं, पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। हम तो वहां पर चले, हम तो सबसे वहां पर चले, हम तो वहां जरा छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा ओ गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। अरे जादू भरी पुड़िया वो छोटी सी पिट्टिया गज भर की चुट्टिया न कर गुस्सा मेरी गुड़िया। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा वो छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। जीवन के रास्ते हंसने के वास्ते न रोना तू मेरी नीता ओ तुझको घुमाऊंगा दुनिया दिखाऊंगा न कर झगड़ा मेरी रीता। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। मेरी कठपुतली बिजली से उजली बड़ी भोली तेरी दुनिया चलने में तीर है इतनी शरीर है बड़ी सिद्धि मेरी मुनिया। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। आपको पसंद आया? गाना मैंने ही बनाया है और धुन भी मेरी ही है। तुमने गाना सिखाया जी, गाड़ी तेज चलाई, स्कूल के नियम को तोड़ा, इसलिए ये लो 5 रुपए अपनी एक दिन की तनख्वाह और चले जाओ यहाँ से। ऑलराइट,
ये रही आपकी चाबी, ये रही आपकी टोपी, ये रही आपकी शर्ट और ये रही आपकी बात। अरे साहब, आपको चाहिए कि आप कोई आपके जैसी बूढ़ी फोर्ड खरीदे। ये आजकल की मोटरें कचरा है, कचरा। कचरा तुम्हारे दिमाग में है, गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं। तो आपको क्या तकलीफ है बड़े साहब? तुम नंदू नाम के किसी आदमी को जानते हो? नंदू को भला मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा? कहाँ है वो? पहले ये बताइए कि काम क्या है। वो आनंद को जानता है। आनंद वो जो स्कूल की बस चलाया करता था। तो फिर से पूछिए, नंदू कहाँ है? कहाँ है नंदू? नंदू आपके सामने हाजिर है। आनंद कहाँ है? आनंद आनंद को नुकसान होगा या फायदा? नुकसान नहीं होगा। सच? सच। नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको तीन दफा बोलना पड़ेगा। सच 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 बोलिए। सच सच सच। नुकसान आपको भी नहीं होगा। आनंद जैसा ड्राइवर आपको दुनिया भर में नहीं मिलेगा। पगार कितना देंगे आप उसका? जितना वो मांगेगा। ये हुई ना अमीरों वाली बात, अब तो उसकी शादी भी हो जाएगी। आप रुक क्यों गए? आइए ना, आइए। ये उसका है। अच्छा तो मैं चलूं? मैं तुम्हें छोड़ के आता। आनंद, वो लड़की कौन है? अरे ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, ये क्या बुढ़े आदमी है ना? और आपकी समझ में क्यों नहीं आएगी? अरे आप भी तो कभी जवान थे। ये लड़का और लड़की दोनों में अगर आप इसको नौकरी देंगे तो इन दोनों की शादी हो जाएगी। जा सकते हो। अच्छा, मगर आप इसको नौकरी जरूर देना, इन दोनों में बड़ा प्यार है। अच्छा, आनंद। दादाजी आप यहाँ? चलो मेरे साथ, चलो। दादाजी हम जा कहां रहे? घर। घर? घर से ही तो आप मुझे ला रहे हैं। जो घर तुम्हारा था वही है, वही रहेगा। आनंद बस बहुत हो चुका है नाटक, मैं कल ही रेखा के साथ तुम्हारी सगाई पक्की कर दूंगा। ड्राइवर गाड़ी रोको। आनंद रोको गाड़ी। अच्छा दादाजी, तुम्हारा आखिरी पैसा है? ड्राइवर चलो। क्या नाम बताया आपने? जी पिता के मौत की खबर, उसने इस खबर को अपनी मां से छुपा रखा है, क्या ये बिल्कुल पक्की बात है? जी हाँ, पास पड़ोस वाले कहते हैं कि लड़की बहुत भली है। भली है या बुरी है ये मैंने नहीं पूछा आपसे, और कुछ? जी उसका मकान गिरवी है। किसके पास? सैयद घनश्याम दास के पास। घनश्याम दास को फोन कीजिए और उनसे कहिए इस मकान का रहनुमा मेरे नाम से कर दें। सुनिए, आइए मेरे साथ। तो चलो मेरे साथ। कहाँ? माँ के पास, आज तुम्हें माँ से मांग लेता हूँ। माँ मंदिर गई। अच्छा तो फिर कल सही जाते हो? एक ज्योतिष ने कहा कि मेरी शादी एक राजकुमार करोड़पति से होगी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? तो फिर कल आने से क्या फायदा? क्यों? तुम्हारी शादी तो एक करोड़पति राजकुमार से होगी और मैं ठहरा एक बेकार आदमी, सुबह से शाम तक काम ढूंढते ढूंढते जूते के तले खिसका है। अच्छा नमस्ते। पागल कहेंगे, जानते नहीं तुम ही मेरे राजकुमार हो। हे, हमें कोई देख रहा है? कौन देख रहा
देख लो भाई देख लो, खूब मजे से देख लो, तुम भी तो पुराने प्रेमी हो। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कहीं सपना टूट ना जाए, कहीं मैं तुम्हें खो ना बैठूं। क्या तुम कह सकते हो मुझे ऐसा डर क्यों लगता है? तुम्हें डर इसलिए लगता है तुम मुझसे प्यार करती हो।
आप रेणु जी? जी मैं राय बहादुर द्वारकादास का मैनेजर हूँ, उन्होंने आपको बुलाया है। क्या बात है कहिए ना। क्या यहाँ कहना ठीक होगा? आपकी माता जी कल आए। दरवाजा बंद कर लो। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, बैठो। तुम तो जानती हो तुम्हारा मकान अब मेरे पास गिरवी है और उसे छुड़ाने का वक्त भी आ गया। देखिए मकान तो मैं छुड़ा नहीं सकती, फिर भी दया करके आप हमें कुछ मोहलत दें तो मेरी माँ। मालूम है बेटी, मुझे सब कुछ मालूम है। तुमने जो कुछ अपनी माँ अपने परिवार के लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मैं भी सोचता हूं एक बेवा बेसहारा की अगर कुछ मदद कर सकूं तो मैं समझूंगा कि मैंने भी जिंदगी में एक नेक काम किया है। यही कहने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम लोग जब तक चाहो उस मकान में रह सकते हो। किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं बेटी, इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन एक छोटा सा एहसान तुम भी मुझ पर कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हारा मकान तुम्हें वापस कर दूंगा। मेरी जान पहचान का एक लड़का है, लड़का अच्छा है, सरकारी नौकरी करता है, 400 का तनख्वाह पाता है। मैं चाहता हूं तुम उससे शादी कर लो। क्या इसी बात के लिए आपने मुझे यहां बुलाया था? शादी करना या ना करना मेरा निजी मामला है। और ये मेरा भी निजी मामला है। मेरी शादी से आपका क्या संबंध? जानना चाहती हूँ। पहचानती हो उसे? हाँ आनंद, आनंद मेरा पोता, मेरी सारी जायदाद का वारिस। मैंने उसकी शादी एक करोड़पति की लड़की से पक्की कर दी, लेकिन तुम उसके रास्ते में आ रही हो। भूलो नहीं, आनंद एक करोड़पति है, उसके लिए तुम महज एक खिलौने के सिवा और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूं, सोच लो। लेकिन याद रहे, इसमें तुम्हारी मां की जिंदगी का सवाल है। आप गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। शुक्रिया, मुझे गाड़ी की जरूरत है। कैसे मैं घर पे नहीं हूँ? कल भी तुमने कह दिया था नहीं हो, आज भी कह रही हो नहीं हो। कह देने जाके मैं नहीं हूँ। दीदी नहीं है। दीदी नहीं है? और माँ? माँ कथा सुनने गई। माँ कथा सुनने गई? अच्छा तो दीदी से कह देना कि मैं आया था। सुनिए। अरे ये तो कह रही थी कि तुम घर पे नहीं हो। मैंने दरवाजा बंद कर दो, चलिए आपसे कुछ कह रहे हैं। लेकिन लेकिन बात क्या है रेनू? आपसे एक बात कहनी है। पहले मेरी सुनो, फिर जिंदगी भर से मुझे तुम्हारी बातें सुनूं। आनंद बाबू, हमें जिंदगी से लड़ना पड़ता है। आप लोगों की तरह जिंदगी हमारे लिए खेल नहीं है। खेल? हाँ खेल, खेल नाटक। लेकिन मैं पूछती हूँ, दिल बहलाने के लिए और भी तो बहुत से रास्ते थे आपके पास। देश द्वारका दास के पोते का गरीब बनकर बस्ती में रहना, नौकरी की तलाश में घूमना, एक गरीब लड़की को धोखे में रखना नाटक नहीं तो और क्या है? रेनु मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। अब कौन क्या ये खेल है और कुछ नहीं है? ये सच है कि मैं द्वारका दास का पोता हूँ, लेकिन क्या मेरा परिचय सिर्फ इतना ही है? इंसान के नाते मैं कौन हूं, क्या हूं, यही जानने के लिए मैं उस चार दीवारी से बाहर निकला हूं।
यही मेरी असली दुनिया है। यहाँ कुछ भी नाटक नहीं है, कुछ भी खेल नहीं है रे। तुम्हारे दादाजी ने कहा कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई है, एक मैं ही इस रास्ते में रुकावट हूँ। देखो मेरी दुनिया में जो कुछ भी है तुम ही हो, और इस दुनिया से दादाजी का कोई वास्ता नहीं। लेकिन मेरी दुनिया में जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उसका क्या होगा? तुम्हारे दादाजी ने कहा कि मैं अगर तुमसे मिलना जुलना बंद नहीं करूंगी तो वो ये सारा फिर माँ से कह देंगे, और उसका मतलब कि माँ की जिंदगी। आनंद, आनंद, आनंद। सब आ गए। कहाँ? मैंने अभी अभी अंदर आते देखा। तो जाए यहां से। मैं यहां हूं। मैं पूछने आया हूं ग्रेनू से, आपने मुझे सीधी बातें छोड़ दी। आनंद ये बात देखो, my latest collection, कितना बारीक का। यहां बहुत बारीक, और उससे भी बारीक है आपकी चाल। आनंद रेनू को बुलाकर समझाने का तो क्या अधिकार है? मैंने अपने अधिकारों की कैफियत किसी को नहीं दी, और शायद तुम ये भी जानते हो कि मैंने आज तक जिंदगी में किसी से हार नहीं मानी। मैं जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि आप रेनू को किसी न किसी तरह मुझसे दूर कर देंगे। ठीक है, लेकिन देखा से भी आप अपनी शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम क्या कहना चाहते हो? आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि मैं भी हार कभी नहीं मानता। आनंद तुम रेनू को बहुत चाहते हो ना? अगर यह सच है तो तुम्हें रेखा से ही शादी करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी जिद की कीमत रेनू को अपनी मां की जान से चुकानी पड़ेगी। हां, अगर कोई मेरे सपने को तोड़ने की कोशिश करेगा तो मैं उसके सपने को चूर चूर कर दूंगा। आखिरी बार ले आया, आखिरी बार। दादाजी की बात मुझे मान नहीं पड़ी, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। तुमने जो जी जान से कोशिश करके मां की जान बचा रखी है उसे बर्बाद करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। तुम्हें नहीं मालूम रेनू, पैसे की दुनिया बड़ी मतलबी दुनिया है। वहां हर चीज दया माया प्यार, हर चीज स्वार्थ के तराजू पर तोली जाती है, और यहां इस दुनिया में बिना मांगे ही मुझ पर प्रेम ममता और दया की बरसात हुई। मेरा रोम रोम फूला नहीं समाता था, यहां तक कि खुशी के मारे मैं उस दुनिया को भूल बैठा। लेकिन वो दुनिया मुझे नहीं भूली रेनू, ऐन वक्त पर अपना हक जताने चली आई। मेरी रगों में से एक द्वार का दास का खून है ना, उस खून का कर्ज मुझे अदा करना पड़ा। मैं जानती थी इतना सुख मेरे भाग में नहीं है। मेरी शादी भी पक्की हो चुकी है। शादी होती दादाजी की मलकियत दुगनी हो जाएगी, और अगर मैं ना कह देता तो दादाजी मां का सपना चूर चूर कर देते। तो अगर मैं जानता रेनू के प्यार की यह कीमत चुकानी पड़ेगी तो कभी प्यार नहीं करता, कभी प्यार नहीं करता। आनंद भैया, आनंद भैया, आज राखी है। अरे आनंद तू आ गया, बहुत अच्छा हुआ। आज मैं तुझे वो सबक देता हूँ कि तू भी याद करेगा। अरे दुल्हनिया, वो दुल्हनिया। आप घर की आ गई, जानती नहीं है राखी बंधन? मैं कब से रात देख रही हूँ, और नवाब साहब। अब कुछ नहीं बोलूंगी, तुम बैठो भैया, मैं आती हूँ। चल चल बांध राखी, बांध।
सुन बे, आज से तू इसका भाई है। तो मेरा कौन हुआ? खा ले बेटा, खा ले, खा ले। हाँ हाँ, अरे तेरी बहन को सिनेमा दिखाना है तो मैं चाहता हूँ। अच्छा आनंद, रोज धमकाते हो ना, चला जाऊंगा चला जाऊंगा। अब देखती हूँ कैसे तुम चले जाते हो। भैया अब तुम बेहतर थी ना, तुम्हें बहुत डर गई थी, मैंने सोचा तुम सचमुच चले गए। एक गिलास पानी चला दे जरा। भैया अभी लाती हूँ। रेनू बहन के यहाँ गया था पर वो थी नहीं, आने के लिए कह दिया है, उनके आने पर पता लगेगा। वो देखो रेनू बहन आ गई। रेनू बहन, तुम्हें आनंद का कुछ पता है? रेनू बहन, तुम्हें मालूम है आनंद कहाँ है? देखो ना, कल रात को आया था, ढेर सा पैसा रख के चला गया। इतना पैसा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और कल का गया है तो अभी तक उसका पता नहीं है। जरूर किसी मुसीबत में फंस गई होंगी। आनंद बाबू बिल्कुल ठीक है। तुम जानती हो आनंद कहाँ है? कहाँ है? आखिर वो घर क्यों नहीं आया? बोलो ना दीदी, आनंद भैया कहाँ है? आनंद बाबू अपने घर चले गए। घर? घर तो यही है। नहीं जानती, सेठ द्वारकादास के पोते का घर ये कैसे हो सकता है? सेठ द्वारकादास का पोता अपना आनंद? ये तुम क्या कह रही हो रेनू बहन? हाँ बोलते, उनका हमारे साथ सिर्फ एक सपना था, एक राजकुमार कुछ दिनों के लिए घूमने निकला था और हमें अपना लिया था। समय खत्म हो जाने पर वो अपनी राजधानी लौट गया, वहां सब उसका इंतजार कर रहे थे ना। सोना में ही जगमगाएगा, राजकुमारी आएगी। और दीदी, हाँ शांति, तुम्हारे भैया की शादी हो रही है, चल तुम्हें खबर मिल जाएगी। ये सब नाटक था, ये सब खेल था। शांति, आनंद के दिए हुए पैसे लेकर आ। क्या हुआ मोहन? वही जो हमेशा से होता आया है नंदू, ये अमीर आदमी जितने बाहर से चिकने चुपड़े होते हैं ना, अंदर से उतने गंदे होते हैं। तू किसकी बात कर रहा है? एक द्वारकादास का पोता आनंद। एक द्वारकादास का पोता? कौन सा आनंद? वही आनंद, वही साफ साफ जिसको हमने दूध पिलाकर पाला है यहाँ पे, जो गरीब का भेद धर के यहाँ हमसे खेलने आया था, जिसने रेनू बहन जैसी खूबसूरत और सुंदर और मासूम लड़की का दिल तोड़ा और दूसरी शादी में चले गए। ये तुम क्या कहते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ रामू, दोस्तों कुदरा खाकर उसे खिलाया हमने, जी जान से उसको हमने चाहा, और हमारे प्यार की कीमत क्या दे गया है मालूम है? ये रुपए हमारे प्यार की कीमत दे गया है नंदू। ये अमीर इतना नहीं जानते कि अगर हम प्यार कर सकते हैं तो चोट खाने पर हम तहस नहस भी कर सकते हैं, और यही सबक आज मैं उसे सिखाऊंगा। मोहन भैया, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सब का मामला है। तुम अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे साथ जा रहे हैं। आनंद है? कौन? अरे कमाल करता है। आनंद बाबू बोल, आनंद साहब बोल। हाँ, आनंद साहब से मिलना है हमको। क्या काम है? जो काम है हम उन्हीं से कहेंगे। नहीं मिल सकते, चल जाओ ना। दरबान खोल दो दरवाजा। ओ सलाम आनंद बाबू। राम राम सरकार।
बाबू सरकार, ये सब क्या कह रहे हो? बाप रे बाप, सेठ द्वारकादास के पोते को सरकार नहीं बोलूंगा, सलाम नहीं करूंगा। और अपने भाई को भाई नहीं बोलोगे? आनंद बाबू, हम गरीब हैं मगर ये बोल हमारे लिए बहुत माने रखते हैं, इस पर कलंक मत लगाओ। मैं समझता हूँ मोहन, इन बोलों की कृतज्ञता को शायद तुम ही लोगों से सीख गया। और इसीलिए शांति को ये पैसे दे आए थे? आनंद बाबू, काश ये भी हमसे सीख लिया होता तुमने कि हम प्यार खरीदते नहीं, बेचते नहीं, हम प्यार का सौदा नहीं करते। शांति, वापस कर दे ये हार, फेंक दे। मोहन, ये हार वापस करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, ये शांति का हार है और मैंने उसे दिया है एक भाई के नाते। भाई? मेरा कोई भाई होता तो जानते हो मैं क्या करता? वो अब भी कर सकते। भैया! बदमाश! दरबार! और मार लो, जी भर के मार लो, लेकिन साहब और सरकार कहकर मेरा अपमान मत। अपमान? मान अपमान बस तुम्हारा ही होता है, रेनू बहन का नहीं है। उसकी जिंदगी से खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम लोग नहीं समझोगे मैं मजबूर हूं। मजबूर क्यों? मैं नहीं बता सकता। ढोंग छोड़ो आनंद, अगर खैरियत चाहते हो तो हमारे साथ चलो, मैं रेनू बहन से ही शादी करनी पड़ेगी। मोहन, मैं रेनू से शादी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? एक चीज याद रखना आनंद, हम वापस आ रहे हैं और आज हम इसका फैसला करके रहेंगे। चल 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 चलो। रेनू बहन, रेनू बहन, रेनू बहन, क्या बोल रही है? हमारे साथ चलो। कहाँ? उस हैवान के पास। आज हम उसे दिखा देना चाहते हैं कि हम इतने कमजोर नहीं है जितना वो हमें समझता है। हम तुम्हें उसके मकान के सामने ले जाकर खड़ा करेंगे और चीख चीख कर कहेंगे कि देखो दुनिया में शैतान कैसे कैसे रूप में रहता है। मोहन भैया, तुम लोग घर चले जाओ और ये सब भूल जाओ। भूल जाओ? रेनू बहन, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा पाप। उसने कोई अन्याय नहीं किया मोहन भैया, कोई अन्याय नहीं किया। तुम अपनी शुद्धि खो बैठी हो, तुम्हें अपने मान अपमान किसी चीज की परवाह नहीं है, तुम उस शैतान के। भैया, अपना शैतान कहकर उसका अपमान मत करो, लोग चले जाओ यहां से। हम तो ये सोचकर आए थे कि उसने सबसे ज्यादा बेइज्जती तुम्हारी की तो सजा भी उसे तुम्हारी आंखों के सामने मिलनी चाहिए, मगर तुम उसके प्यार में पागल हो गई हो। कोई बात नहीं है, तुम यहां बैठ कर आंसू बहाओ, हम उससे खुद निपट लेंगे। अभी तो सर खुला था, आपकी जान ले लेंगे। हाँ, सर से खून निकाल के देखा कि अमीरों के खून का रंग हमारे खून की तरह लाल है या नहीं। कहाँ जा रही हो? उनसे माफी मांगूंगी, कहूंगी तुम लोगों से अनजानी में अन्याय हो गया। पागल हो गई हो और अपमान मोल लेना चाहती हो? जाने दो मुझे। हर चीज नहीं, और अगर जानी है तो माँ से पूछ लो। माँ जी, क्या तुम माँ की मांग का सिंदूर मिटा देना चाहते हो? क्या? माँ का सिंदूर छूटा है, उसे सिंदूर लगाने का कोई अधिकार नहीं। आज से 3 साल पहले ही बाबूजी का देहांत हो चुका है, यह सच्चाई माँ से बर्दाश्त न होगी, उसका दिल टूट जाएगा, वो मर जाएगी, इसीलिए उसे आज तक गुलाबी में रखा है। न जाने किस तरह यह बात आनंद के बाबूजी को मालूम हो गई और उन्होंने इस राज का फायदा उठाया। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, उन्होंने कहा कि अगर आनंद उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करेंगे तो ये राज माँ से कह दिया जाएगा, और आनंद ने माँ की मौत और अपनी बर्बादी के बीच अपनी बर्बादी पसंद की, और तुम लोगों ने। मैं एक बार आनंद बाबू से मिलना चाहती हूँ। नहीं, तुम नहीं चाहती। चली जाओ। सिर्फ एक बार मिलने दीजिए, आखिरी बार, फिर कभी उनसे नहीं मिलेंगे, कभी नहीं वादा करती मुझे। उन पर बड़ा अन्याय हुआ है, सिर्फ माफी मांगकर चली जाऊंगी, फिर अपनी छाया भी उन पर नहीं पड़ने दूंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। जगो। जी मालिक।
इन्हें आनंद के पास ले जाओ। आइए। छोटे साहब, एक लड़की आपसे मिलने आई है। कह दे मुझे किसी से नहीं मिलना। लेकिन मालिक ने तो उसे ऊपर भेज दिया। मेरा भाग्य ही ऐसा है, जिस पर भी मेरी छाया पड़ती है उसे दुखों के बादल घेर लेते हैं। न मुझसे मुलाकात हुई होती, न तुम्हारे माथे पर ये बेइज्जती का दाग होता। ये बेइज्जती का दाग नहीं है रेनू, मेरे अंधेरे जीवन में ये प्यार का एक दीपक है जो सदा जगमगाता रहेगा, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मुझे भी कभी किसी ने सच्चे दिल से प्यार किया था। आनंद, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। सिर्फ उन्हें एक बार बुला दीजिए, हम उनसे माफी मांगने आए हैं, अनजाने में हमसे बड़ी गलती हो गई है। तुम लोग जाते, हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। नहीं नहीं, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, सिर्फ माफी मांगकर चले जाएंगे। सुनिए, तुम कौन हो? मैं रेनू की माँ। रेनू की माँ? आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं आनंद को आपसे छीनने नहीं आई, उसे आशीर्वाद देने आई। आशीर्वाद देने की कोई जरूरत नहीं, आप चले जाइए यहाँ से। माँ, माँ ये क्या? यही तो मेरा असली भेष है बेटी। जब सुना कि वो अब नहीं रहे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, होश में आते ही तेरी याद आ गई। सोचा इस नन्ही सी जान को मेरे लिए कितने दुख उठाने पड़े, अपना सुख अपनी खुशी सब कुछ तो निछावर कर दिया तूने, और तेरे साथ आनंद ने भी। इसीलिए मत रो, मत रो। बहुत हो चुका है नाटक, ये रोना धोना आपके घर जाकर कीजिए। जाइए यहां से, दरबार बंद कर दो। आप घर जाइए मां। नंदू, मोहन, तुम लोग भी घर जाओ, ये पैसे की दुनिया है, यहां दया माया और प्रेम का कोई स्थान नहीं है। जाओ तुम लोग, चले जाओ यहां से। तुम मत जाओ। अरे आज मुझे सहारा दो, तुम्ही ने मुझे सच्ची दुनिया दिखाई है, और आज तुम्ही को मुझे उस जीवन की तरफ ले जाना हो। आनंद, दादाजी आप बड़े घमंड से कहा करते थे कि आपने कभी किसी से हाथ नहीं मांगा, शायद आप भगवान को भूल गए, इसीलिए उन्होंने मां जी की आंखों से झूठ का पर्दा हटाकर आपका घमंड चूर चूर कर दिया है। तुम कहना क्या चाहते हो? आप किस धमकी से मेरी शादी रेखा के साथ? आनंद, अंधे मत बनो। अंधा था दादाजी, लेकिन अब नहीं, अब आंखें खुल गई। ये मोहन है, मोहन दादाजी, मोहन। इसने मुझे सिखाया है कि भाई का प्यार क्या होता है, और ये है शांति, शांति। अपने हाथ की चूड़ियां बेचकर इसने मुझे खिलाया है, सेवा और स्नेह से सिखाया है कि बहन का प्यार क्या होता है, और वो है नंदू और वो रामू, जिन्होंने मुझे सिखाया है कि दोस्ती क्या है, दोस्ती का माने क्या है। भाई का दिल, बहन का स्नेह, मां का आशीर्वाद और सच्चा प्यार मुझे इन्हीं लोगों से मिला है, जो कि आपकी सारी दौलत मुझे लगे। दादाजी आपने एक बार मुझसे पूछा था कि मेरा परिचय क्या है, आज बताता हूं, मैं इन्हीं में से। तुम बेवकूफ हो, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी अभिशाप गरीबी को गले लगा रहे हो, अपने आप को इनमें समझ के नाप कर रहे हो। यही सच्चे अमीर हैं दादाजी, क्योंकि ये दिल के अमीर हैं। जानते हो उसका नतीजा क्या होगा? जानता। तो ये भी सुन लो, यहां से बाहर गए तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक बार खुली हवा में सांस लेकर फिर कोई जेल खाना पसंद नहीं करता है दादाजी।
क्या मजे की मिठाई है रेनुबेन, जरा प्यार से जरा प्यार से। अरे खा ले, शर्माता क्यों है? अबे खा लेगा, नया नया दूल्हा है, पहली मर्तबा तो शादी कर रहा है बेचारा। सौभाग्यवती हो बेटी। ये लो बेटी, आज से मेरी तमाम जायदाद के मालिक तुम लो। खुश रहो। सर, 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 ऐसे नहीं जाने देंगे। शांति, आज छुट्टी नहीं, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। अच्छी जीत है, थकी देखिए, थकी देखिए, बहुत मजे की, थकी देखिए। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों से तम सर आंखों पर मैंने बदले में प्यार।